काफी लेंथी प्रोसेस नहीं लग रहा कि इतना मतलब प्रोफाइल बिल्ड करें, चीजें बनाएं, आया के वो आइंदा किसी को पसंद आएगी तो वो हमें कांटेक्ट करेगा। भाई मंथली फिक्स चाहिए, हमें जॉब नहीं है। और आप हो सकता है उस लेवल के लोगों की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त इंटरनेट मार्केटिंग में इन है, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं। हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये इंटरनेट मार्केटिंग क्या है। देखें, बात यह है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलेज की डिग्री लेने में आपको कितने साल लगे थे? कॉलेज के 2 साल, यूनिवर्सिटी के 4 साल। 4 साल, उससे पहले आपने जो 12 साल गुजारे स्कूल हाँ में, 10 साल, क्या उसको काउंट करेंगे? ऑब्वियसली काउंट करेंगे, ठीक है। किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज की और डिग्री की बात थी जहाँ पे आपको लाजमी तौर पे जिसको आप कामयाबी कहते हैं उसको हासिल करने के लिए वो डिग्री लेना ज़रूरी थी, 16 या 18 साल तक पढ़ना ज़रूरी था। अगर उस 18 साल का मैं कहूँ कि 20% आपने कहीं और इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपके करियर ने बूस्ट करना है, क्या कहेंगे आप? गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन है ऑब्वियसली। अगर उस 16 साल को या 18 साल को हम सिर्फ 4 साल के ऊपर रखें कि हमें 4 साल रोज़ाना उसी तरीके से 4 से 5 घंटे स्टडी करनी है, तो यू वॉन्ट बी एन एक्सपर्ट, यू विल बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। यू नो मेलकम ग्लैडवेल कहता था कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए 10,000 आवर्स काम करना ज़रूरी है, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, 10,000 आवर्स आर मोर देन एनफ। कोई भी काम नहीं करता इस किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, फील्ड्स चेंज होती रहती हैं या उसी फील्ड के चंद चंक्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते रहते हैं, बट इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट समथिंग के किसी भी फील्ड में लेजर लाइट फोकस ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में जाने के लिए आपको 4 साल या 18 साल ही पढ़ना हो। बास फील्ड्स ऐसी होती हैं कि जो जो प्रोडक्ट होती हैं 3 से 4 चंक्स का, राइट? तो उसमें क्या होता है कि इसके इस पहले चंक के ऊपर आपने 2 महीने स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल रोज़ाना 2 घंटे, फिर 2 घंटे इस पर, 2 घंटे इस पर, 2 घंटे इस पर मैक्सिमम। अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी कॉलेज डिग्री से तो ये कुल मिला के 8 से 10 महीने की भी स्टडी नहीं बनती। सो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस। प्रोसेस सिर्फ ये है कि क्या आपके अंदर पैशन है करने का। अगर आपके अंदर करने का पैशन है तो आप इसको कर लेंगे 8 से 10 महीने में, इवन के बाज़ू का 5 से 10 महीने में। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अबाउट द पीएचपी। अगर आप बात करते हैं कि मैं आपकी फील्ड के मुताबिक बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपका इंटरेस्ट पीएचपी में, पीएचपी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उसको सीखने जाते हैं तो क्या होगा कि 2 से 3 महीने में आप उसको सीखेंगे कॉन्स्टेंटली, और उन्हीं महीनों के अंदर जिसमें आप सीख रहे हैं इसकी रोज़ाना कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। बतौर ख़ास जबकि हालात ये जिसकी आप बात ये कर रहे हैं कि भाई जॉब नहीं है तो क्या करें, तो ऑब्वियसली जॉब तो आपके पास वैसे भी नहीं है जब आप कुछ नहीं कर रहे। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपने ये काम नहीं करना तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो जब जॉब वैसे भी नहीं मिल रही, ऐसे भी नहीं मिल रही, तो बाहर ढाबे पर बैठ के दोस्तों के साथ गपशप मारते हुए चाय पीने से भाई कुछ नहीं होगा। काम करने से होता है, बातें करने से नहीं होता।